सेट टू का क्वेश्चन नंबर हम लोग एक देखेंगे क्या है क्वेश्चन की 0.254 पर रेकरिंग है यानी बार है को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करके हमें दिखाना है। चलिए इसको करते हैं व्यक्त परिमेय संख्या के रूप में। तो मान लेते हैं यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है और एग्जाम में बहुत ही अच्छा रूल किया गया है कि 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे शॉर्ट टाइप और उसमें से मात्र हम लोग को 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को भी तैयारी करके आप बड़े अच्छे से एग्जाम निकाल सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो 0.254 है जबकि 5-4 पे रेकरिंग है बार है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। बार है मतलब बार बार है, ठीक है। तो माना कि यह बात को x जो है वह है 0.254 इस पे है बार, तो हम क्या बोले बार बार है यानी 0.254 आता जाएगा एंड सो ऑन, क्लियर है। अब हम लोग पॉइंट शिफ्ट कराएंगे 10 से मल्टीप्लाई करके। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे पॉइंट शिफ्ट करने के लिए। गुना करने पर हम क्या पाते हैं, यह हो जाता है 10x इक्वल टू, यह हो जाता है 2.545454 एंड सो ऑन। यह मेरा हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज से, 1000 से, ठीक है। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। क्या करेंगे, चलिए एक और चीज इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, फिर लिखेंगे क्या चीज समीकरण एक में, यहां भी लिख देंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में यहां भी लिख देंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर। अब हम लोग 1000 से गुना करेंगे, पॉइंट 1, 2, 3 डिजिट शिफ्ट होगा और यहाँ हो जाएगा 1000x बराबर 254.5454 एंड सो ऑन। इक्वेशन हो जाता है थर्ड। इस इक्वेशन में इसको माइनस कर देंगे, लिखेंगे समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू 254.5454 एंड सो ऑन माइनस 0.25454 एंड सो ऑन। तो यहाँ देख सकते हैं क्या आ जाएगा 990x बराबर, यहाँ देखिए कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है खत्म, सब 00 हो जाएगा यानी कि 254। दिस इम्प्लाइज x बराबर 254/990। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हो या इसे काट के लिख दीजिए यानी कि 14/55। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यह NCERT एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 5 से लिया गया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएंगे, आप देख सकते हैं और समझ में आएगा जरूर। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन और मोस्ट VVI क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमें परिमेय अपरिमेय प्रूव करना होगा तो इसको मान लेंगे हम लोग परिमेय। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या करते हैं, माना कि क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है यह बात हमने क्या किया है मान लिया, यह बात हमने माना है नहीं बस मान लिए हैं कि यह परिमेय संख्या। जब मान लिए परिमेय संख्या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि √2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग p by q, जहां Q जो है वह डज नॉट इक्वल टू है 0 के, तथा P और
क्यू की बात जहां तक करें हम, पी और क्यू में क्या देख रहे हैं हम लोग, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणन खंड नहीं है एक के अलावा। आपका भाषा कुछ भी हो सकता है, आप जितना अच्छा लिख सकते हो लिखिए, एक के अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं है, हो नहीं सकता, कुछ नहीं है। देख सकते हैं ना, पी वाई क्यू लिखे थे, इसका मल्टीपल में वन छुपा, इसके मल्टीपल में वन, तो एक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए करते स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का करते हैं वर्ग। पक्षों का वर्ग करने पर हम क्या पाएंगे, यह रूट टू का स्क्वायर लिखाएगा और यह पी वाई क्यू का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या देख सकते हो कि टू इक्वल टू आ जाता है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीपल, इसके नीचे कुछ नहीं बनता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी स्क्वायर आ जाता है टू क्यू स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये मल्टीपल में इसके डिवाइड में भेजा जा सकता है। तो यहां से निष्कर्ष एक निकल के आ रहा है कि पी स्क्वायर जो है का मान जो होगा, पी स्क्वायर का मान दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है, इसलिए हम बोल सकते हैं पी का भी मान जो होगा वह दो से क्या हो जाएगा, विभाज्य है। यह बात हम कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पी को तो ये बात प्रूव कर दिया, क्यू को नहीं कर पाया ना, तो यहाँ मान लेते हैं लेट, क्या मान लेते हैं, पी जो है वह बराबर है, जो मानना है आप मानिए, टू एम के, क्या मान लेते हैं, टू एम के। अब इसका हम फिर करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मन में प्रश्न आ रहा होगा क्यों वर्ग किए, तो देखिए ये रूप में दे देगा ताकि हम पहलू को पुट कर सके और क्यू को भी प्रूफ कर सके, जो जैसे पी के लिए प्रूफ किया है। तो इस वैल्यू को यहां हम जाके क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते, इक्वेशन मान लेते इसको फर्स्ट। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, समीकरण एक से पहले वर्ग किए तो ये क्या दे दिया, देखिएगा पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, फोर एम स्क्वायर, इसका वर्ग किए तो अब समीकरण एक से हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, टू क्यू स्क्वायर बराबर फोर एम स्क्वायर के। तो ये टू से टू टाइम्स कैंसिल, दिस इंप्लाइज आप देख सकते हैं अब यहाँ पर से क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, टू एम स्क्वायर के, ठीक है ना। तो यहाँ भी देख सकते हैं टू डिवाइड में चला जाएगा, तो जो ये बात यहाँ पर पी के लिए लाए थे अब हम लोग क्यू के भी लिए ला चुके हैं। तो लिखेंगे क्या चीज, क्यू स्क्वायर का मान दो से क्या है, विभाज्य है। जब दो से विभाज्य है तो क्यू का भी मान दो से विभाज्य होगा, इस बात को थोड़ा समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि टू का स्क्वायर में टू से डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोले कि नहीं टू में भी टू से डिवाइड हो जाएगा, तो गलत तो नहीं बोले, क्योंकि टू का स्क्वायर भी फोर और फोर टू के टेबल में आता है और टू में भी तो टू से डिवाइड हो ही जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हो गया है, बात बन गया अपना। हमने क्या माना था यहाँ पे कि एक के अलावा कुछ नहीं है, हमने देखा क्या, दो दो आ रहा है इसका गुणनखंड, दो आ रहा है, एक नहीं दो भी आ रहा है, तो हमारी मान्यता का विरोध हो रहा है यहाँ से। तो लिख देंगे हम लोग स्पष्ट क्लियरली, स्पष्ट त हम कह सकते हैं कि P और Q का एक के अतिरिक्त, मत होता है छोड़कर, अति रिक्त दो भी गुणन खंड है, दो भी गुणन खंड है जो हमारी मान्यता का क्या कर रहा है, विरोध विरोध करता है, विरोध करता है, इसलिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, हो जाता है बात प्रूव्ड। तब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर, एक त्रिघात बहुपद है,
समझिए पहले, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो होता है, ये बात हम जानते हैं। अब देखिएगा बोला क्या जा रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यक का योग, जिसके शून्यक का योग, तो शून्यक त्रिघात है तो शून्यक इसमें तीन होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका योग जो है देख सकते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है, दो, दो है ठीक है। याद है यह मेरा पहला बात हुआ ठीक है। तो इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा है कॉमा बीटा है और क्या है गामा है, यह बात हम पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह बात हमने जाना, क्लियर है। चलिए आगे का प्रोग्राम हम लोग देखते हैं क्या है। एक और बात बोला क्या जा रहा है, देखिए आगे, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यक को एक साथ लेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसा करने पर पड़ता है क्या चीज़, -7 ठीक है। इक्वेशन हमारे ये फर्स्ट है, इक्वेशन हमारे ये सेकेंड है ठीक है ना। तथा देखिए आगे क्या बोल रहा है, तीन शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल कितना है, -14 है, यह मेरा इक्वेशन हो जाता है थर्ड। तो इसका ये व्यापक रूप हम लोग जानते हैं क्या चीज, व्यापक रूप में हम क्या बोलेंगे, इसलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप में क्या बोलते हैं हम लोग, कि पी एक्स जो होता है वह बराबर होता है किसके, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और उसके बाद की बात करें तो प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह मान लीजिए सपोज कि यह मेरा एक इक्वेशन है मान लीजिए फोर्थ, तो इसमें हम जाके सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो समीकरण 1.2 कॉमा 3 का मान समीकरण 4 में रखते हैं तो पी एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यू की जगह पर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, क्या रख सकते हैं, 2, और इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की जगह पर रख सकते हैं कितना, -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पर क्या रख सकते हैं, -14। तो कुल मिला के देखिएगा तो आ जाएगा एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस माइनस -14, तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर। और चूंकि शून्य निकालना था तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0, या अतः लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर -7x -14 बराबर किसके, 0 के, तो यही होगा मेरा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 काफी बेहतरीन, पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल का केस क्या बोलता है कि a1 by a2 अगर डज नॉट इक्वल टू आ जाए किसके, b1 by b2 के, तो ऐसी स्थिति में होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई हल नहीं, केवल एक ही हल होता है, लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, क्या होता है, केवल एक हल होता है। तो हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं स्टार्ट, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, यहां पर हम लोग देखते हैं क्या चीज, दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 का तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो करते हैं, तो यहां हम क्या पाएंगे,
ए वन बराबर क्या है, टू, ए टू बराबर क्या देख रहे हैं, फोर, बी वन बराबर क्या है यहाँ, टू, और बी टू बराबर, देखिए बी टू बी टू बी टू बी टू तुलना इससे किया ना, उसकी जगह पर है पी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि यही कंडीशन आ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं चूंकि ए वन बाई ए टू अगर हम रखते हैं किसके बराबर, बी वन बाई बी टू के बराबर, तो एक वैल्यू जो यहाँ से मिलेगा वो वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू आता है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो अद्वितीय हल देगा। तो ए वन की जगह पुट कर सकते हैं हम लोग क्या चीज़, टू, ए टू की जगह पुट कर सकते हैं फोर बराबर, बी वन की जगह पुट कर सकते हैं हम लोग क्या चीज़, टू, बी टू की जगह पर रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं ये वन बाई टू, यानी कि पी इक्वल टू फोर। तो फोर के अतिरिक्त अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो अद्वितीय हल होगा। तो ये बात हम लिख देंगे, लिख देंगे पी बराबर फोर के अतिरिक्त सभी मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। क्लियर है, देखिए ये इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है और इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, डी निकालना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लिख देंगे क्या चीज, वही कहानी, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो का तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर। तो करेंगे तो क्या देख सकते हैं, ए की जगह पर क्या है, दो है, बी की जगह क्या है तो माइनस सेवन है, और सी की जगह क्या देख रहे हैं हम लोग, सिक्स। इसलिए व्युत्क्रम निकालना डी, तो डी बराबर फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी की जगह देख सकते हैं माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह देख सकते हैं टू, और सी की जगह देखते हैं सिक्स। तो माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस चार दुनिया आठ, चार दुनिया आठ, आठ छः अड़तालीस, यानी डी का वैल्यू कितना जाता है, वन आता है। तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ये एपी है और इस एपी के 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है एपी। तो एपी का अगर हम बात करते हैं प्रथम पद का, सॉरी प्रथम पद का बात करते हैं, इसको नोट करते हैं ए से, तो वह दिख रहा है एट। शार्व अंतर की बात जहां तक करें जिसको हम लोग डी कहते हैं, तो हो जाएगा थ्री माइनस एट, दैट मीन्स माइनस फाइव। एन की बात करें, एन की बात करें तो कितना पद है, 22 पद हमें निकालना है, 22 पदों का योग। इसलिए एस 22 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एन बाई टू, यानी 22 बाई टू इंटू टू ए, तो टू ए, ए की जगह पर कितना एट, प्लस एन माइनस वन, तो 22 माइनस वन इंटू डी, तो डिफरेंस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस फाइव। तो देख सकते हैं 22 बट्टा दो, ठीक है, यहाँ से टू मल्टीप्लाई एट प्लस यहाँ से हो जाता है 21 मल्टीप्लाई माइनस फाइव, ठीक है ना। चलिए 22 बट्टा दो इंटू आठ दूनी सोलह प्लस माइनस माइनस, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, यहाँ से जाता है 22 बट्टा दो गुने माइनस में आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ से आप देख सकते हो क्या देगा रिजल्ट माइनस में। तो जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 89, ये 11 टाइम्स कैंसिल, 11 से हम कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 11 से, तो रिजल्ट हमें मिल के आता है माइनस 979, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर एट क्या है, एपी के 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद क्या 12 है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, एपी का तीसरा पद मतलब ए थ्री जो है वो है कितना 12 है, ठीक है। तो ए थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस टू डी इक्वल टू है 12। आगे और अंतिम पद, तो अंतिम पद हम लोग को नहीं पता है, ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद देख सकते हैं एपी में 50 ही पद है, यानी अंतिम पद यानी ए 50 हम लोग को पता है कितना है 106। तो ए 50 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49d इक्व टू 106, यह बात है पहला, यह बात हो जाएगा मेरा दूसरा। तो समीकरण एक और दो से समीकरण दो माइनस कर दे अगर हम समीकरण एक, तो बात मेरा बन जाएगा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 49d में से समीकरण दो एक को घटा रहे ब्रैकेट में, ए प्लस टू डी इक्व टू 106 माइनस 12।
तो हम यहां से ब्रैकेट से बाहर करते हैं, a प्लस 49 ब्रैकेट से बाहर करते हैं, a माइनस 2d इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, ये हो गया 10 में से गया तो 9, ये से हो जाता है यहाँ से कैंसिल, सॉरी यहाँ डी है तो 49, डी में से 2d चला जाएगा तो 47d इक्वल टू 94, दिस इम्प्लाइज डी बराबर 94 बाई 47 से कितना टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है इसलिए डी इक्वल टू आ जाता है 2। ये फाइंड आउट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन मटेरियल के समीकरण एक में डी बराबर क्या करते हैं हम लोग, 2 रखते हैं, रखने पर तो 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं, समीकरण एक में रहा ए प्लस 2 इंटू डिफरेंस के बराबर 2 इक्व टू आ जाता है 12, दिस इम्प्लाइज ए इक्व टू 2 × 4 12 प्लस 4 इधर है तो -4 इसलिए ए बराबर में रहता है 8, ए निकल चुका है 8। निकालना क्या था, 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसलिए ए पी का क्या निकालना था, 29वां पद हमें ज्ञात करना था, 29वां पद बराबर a प्लस 28d और a के जगह रखते हैं 8 प्लस 28 इंटू डी के जगह डिफरेंस में रहा 2 रखते हैं तो 8 प्लस 8 × 16 = 6 2 × 4 = 5 56 आ जाता है 64, तो यही होगा मेरा फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 और यह NCERT थ्योरम 6.6 से रिलेटेड है। थ्योरम 6.6 क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या दिया है, समरूप, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, दिया गया है क्या बात, दिया गया है क्या दिया गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है, समरूप मतलब सिमिलर है ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों दो लगा सकते हैं आप, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यह बात हम लोग जानते हैं इसलिए बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो इक्वल होगा। देख सकते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, तो उनकी संगत भुजा ABC त्रिभुज के लिए संगत भुजा हम लेते हैं BC बट्टा इसके लिए ले लेते हैं क्या चीज EF का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, एरिया की जगह पर आप देख ही सकते हो दिया हुआ है क्रमशः होता लगातार, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है 4 cm² और DEF का एरिया दिया है 121 cm², इसी पंगा ले लिया बराबर BC की जगह पर छोड़ दिए BC² और इसकी जगह पर लिख सकते हैं 15.4 cm इस पे चढ़ जाएगा स्क्वायर, क्लियर है ना। अब छोड़िए होल स्क्वायर लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर जब जंप किया तो अंडर रूट हो जाएगा 4/121 इक्वल टू BC/15.4 4 का यानी 2 121 मतलब 11 इक्वल टू BC/15.4 यहाँ पर करते हैं लोग क्रॉस मल्टीप्लिक तो यहाँ से आ जाता है 11 BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15.4 गुने 2 दिस इंप्लाइज BC बराबर 15.4 × 2 बट्टा हो जाता है 11। तो आप देख सकते हैं 11 से 11 एकम 11 दशमलव तो स्टार्ट 6 + 4 = 44 इसलिए BC बराबर 2.8 ये आ जाता है मेरा BC का वैल्यू। ठीक है, तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर। एक और बात, हमने यहाँ सेंटीमीटर छोड़ दिया था, चलिए सेंटीमीटर लेके चलना है ना, अपना आंसर भी डायरेक्ट आ जाएगा सेंटीमीटर में ही, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बुद्धि विवेक के साथ क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे हम बदलते हैं, हमें निकालना है मान, तो कोई एक चीज को चेंज कीजिए, साइन स्क्वायर 63° रहने दिए, साइन स्क्वायर भी रहने दिए, 27 को लिख सकते हैं 90° - 63° और हम लोग फॉर्मूला जानते ना,
साइन 91 इस थीटा, कॉस थीटा, थीटा के जगह 63, यहाँ भी 63, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर और 17 को लिख सकते हैं यहाँ पर से 90 और माइनस 73, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा स्क्वायर है स्क्वायर, थीटा की जगह 63 डिग्री, बट्टा कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा स्क्वायर लगता है स्क्वायर, थीटा की जगह 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 में 1 से डिवाइड किया गया बात 1, यही हमें निकालना था, वैल्यू निकाल।